शांति सामा शांति ओम शांति 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्रभात भवेत्। ओम गजाननं भूतगादि सेवितं कपित जम्बूफलचारु भक्षणं उमासु फूल को अग्नि कुंड में डालिए। ओम गजाननं भूतगादि सेवितं कपित जम्बू आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम हरि। का मोहनलाल पहचानला हमरा के शंभू? हाँ शंभू, तारा के बोले रही ना कि तारा घर में कबो खुशी के सहनाई ना बाजे देव। लेकिन वो तो कोर्ट कचहरी के मामला रहे शंभू, जौन सच रहे हुए हम कचहरी में कहले रहनी ना। लेकिन वो बहुत पुराना बात हो गई भाई। हे, लेकिन हमार कलेजा के घाव अभी भी ताजा मोहनलाल। तो हर गवाही से हमरा भाई शर्मिंदा होके अपन जान दे दिलास, और आज हम तुहरे बहिन के करके यही मंडप में सबके सामने इतना बेइज्जत कराब कि तू और तोर पूरा परिवार शर्मिंदा होके चुल्लू भर पानी में डूब मरी। हे शंभु, हमरा से गलती भइल बा, हमरा के सजा दे हमरे बहन के ना। अरे चल है। हे, चल चल मर्द के झगड़ा मर्द से होला, लेकिन तेग जौन की मासूम अबला के सहारा लेता रे, ये सिर्फ मोहन भैया के बहिन ना, ये पूरा गांव के इज्जत ही है। ए मार, thank you.
हमरा का माफ कर दे भाई, भाई हमरा का माफ कर दे। शेर के पिंजड़ा में केंट्री ठीक ना लगे, अब आवे को ही तो शादी और सगाई में ना अधाई में आई है, ठीक बा। आज ही घर में किसनवा रही चाहे हम आवे दाओ करके। अरे बाबूजी बाबूजी देखिए हमर बात सुन, आज हम कुछ ना सुनब आ तोरो ना सुनब गोविंद। का भेल? आ कान खोल कर सुनत लोग, आज हमरा बीच में केहू ना बोली, बहुत हो गई, हद हो गई कोनो बात के। ए, ए, करे तेरा होश उस नहीं खे, जाइबे दोसर के पटल में टांग लगावे। ज्यादा नौटंकी मत करा, एने आवा। महाभारत लड़के आवता रही, भीम बनल रहन, भीम 10-10 गुंडा से अकेले भिड़ गई लोन। तो का करी बाबूजी, का करी हम, ओकनी कहेंगे छोड़ दे कि गांव के बहू बेटी के इज्जत लूट लेसा। वाह, बड़ा चिंता बात आपके गांव के बहू बेटी के इज्जत के। कभी घर में झांक के देखला है, छोट बहन बड़ होकर ब्याह लेखा हो गई ब्याह, अब बड़ भाई दिन रात मेहनत मजदूरी करेला, अब बाप ओ हवेली में जाकर नौकरी करेला, और तेरा तनी को लाल शर्म नहीं खे, सिर्फ गांव के बहू बेटी के इज्जत के ख्याल बा, मर्द बनेला, बड़का मर्द बनेला। अरे दरिया, अरे बाबूजी बाबूजी अब शांत हो जाइए, आप ही सब चिंता छोड़ी, देखिए हम बानी ना सब संभाल ले, सब संभल जाइए। अरे तू काका संभरवा गोविंद, अकेले काका संभरवा बेटा, पता ना हमरे जिंदगी के डोर कब टूट जाए, आई ओकरा के कब समा जाए, कब परिवार के संभारी बेटा। संभारी बाबूजी, अपन किसन भी संभारी, आ देखब एक दिन हमरा से बढ़िया ही घर परिवार के संभारी, आप चिंता ना करी। है चुटकी पानी दे रहे बाबूजी के, आप शांत हो जाए, शांत हो जाए। कारीगरन के भी रोक लिया, ठीक बा। का देखत रह? नौकरी के इश्तहार निकलल बा मुकादम साहब, पगार देखी ने पूरा 50,000 रुपया बा। तो तू कहे खुश होता रह, तू कोनो बीए किले बड़ा का, असहु ई यहां के ना, ई दिल्ली के बा। अरे तका हो गेल मुकादम साहब, हम बीए नहीं की केले, लेकिन हमर भाई किशन बीए कैले बा, वो फर्स्ट डिवीजन में पास बा। ये नौकरी हम अपना भाई खातिर देख रहल बानी। एक काम करी ना मुकादम साहब, ये पता ठिकाना जो लिखल बा ना, वो हमरा लिख के दे दी ना, अपना भाई के दिल्ली भेजे वेकरा खातिर। ठीक बा, तू शाम के जई हो तो ये पेपर लेते जी हो, अपना भाई के दे दी हो। ठीक बा। अरे का भेल रे, हमके कहा तला ना कि निकम्मा है, आवारा है, देखा साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे लंदन का छोरा, साला मैं तो साहब बन गया। अरे किशन ना, किशन साहब कहा, किशन साहब अब तो तू और भाभी एकदम राजा रानी के जिंदगी जिए वालो,
अब भाई घर घर ना कोठा या टारी हो जाई, नौकर चाकर बंगला गाड़ी और आई बुढ़ाऊ। सॉरी बाबूजी। अरे बाबूजी तो गाड़ी से घूमिए, गाड़ी से चार चक्का से। और इलाजों के शादी कोनो राजकुमार से कराई। सालम में तो सह बन गया। हम कहते नहीं ना, कहते नहीं ना कि किशन देखिए एक दिन जरूर साहब बनी। देखा साहब बन गए किशन, किशन साहब। का देखा तरह कुछ न मुकादम साहब, एक एक बात कहल जाता नहीं। कहो। अगर कुछ कुछ पैसा मिल जाता अपने भाई के हम दिल्ली भेज दी थी। देखो गोविंद, पैसा वैसा के बात मत करो। कलुए तारा के पैसा दी हुई रही, तारा चक्कर में काले सेठ से डांट सुन ले बनी। तू जा अभी अपन काम करो। का भाई रे, कहाँ माल बन के घूमता रे? तारा मजाक लगता, वो लोग ससुर के नाती हमरा भुंजा लेखा भूज देले बा, कुटरी लेखा कूट देले बा, कपड़ा लेखा धो देले बा ससुर के नाती। साफ साफ सुनाओ, बुझावल मत बुझाओ। का भाई ले बोल। अरे बुझावल लेके बुझात पार्टनर, ये सब हमर ससुर के कारण होता। ससुर के कारण? हाँ, ये सब करने के जर वे ससुर बाबा। ते तो जब जाना तारी की तुर ससुर तुरे के देखते कच्चा चबाए के कोशिश करेला, तो का कर चल गली सोच गया? ए पार्टनर, आज भोरे भोरे मेहरारू के SMS आइल रहे। हाँ। हमरा के लिखले रहे आई लव यू। हाँ। ऑटो भेज ले रहे मुआ मुआ चुम्मा वाला। हाँ। मन थर थर आ गई। हाँ। नियाज खर खर आ गई। हाँ। हम पहुंच गए लिए ओकर घरे पार्टनर। चूड़ी ले ले चूड़ी, रंग रंगीली चूड़ी। बोली ससुर जी। हाय ससुर जी। हमरा कहे का मतलब है का, जब हम कुंवारे रहनी हां तब हम चाचा कहत रहली हां। अच्छा। बाकी जब से हमरा ब्याह हो गइल नु, हां, तब से रहुआ उम्र के लोग के ससुर जी कहनी। ए ससुर जी, रहुआ बताई केकरा चूड़ी पहनावे के बा? अरे ना, हमरा ना चूड़ी पहने के बा, हमार बेटी चंपा के चूड़ी पहने के बा। हाँ। चूड़ी ठीक बा ना? एक नंबर बा। लड़कियां पहनी तो सयान हो जाई, अब बुढ़िया पहनी तो जवान हो जाई। जल्दी बुलाई ना। हाँ ठीक बा ठीक बा। अरे बेटी चंपा। जी बाबूजी। एने बा बेटी। अरे तू बहुत दिन से बोलत रहलू कि हमरा के चूड़ी चाहिए, चूड़ी है, चूड़ी वाली आयल बिया, तू अपना पसंद के चूड़ी ले ला। ठीक बा, हम जाता नहीं कूला करे। हाँ ठीक बा बाबूजी, आवा ए जब बैठा। ए हमार पोपोन नीचे का देखा तारू, तनी ऊपर देखा तू। हाँ, हम तारा प्यार के खातिर औरत के भेज बदल के आ गेल बानी। बाबूजी देख लिए। अरे तो चलो ना, हमरा के अंदर ले चलो। बाबूजी। हाँ बोला बेटी, का भाई? चूड़िया बहुत निक लगता, इनके लेके जाई का अंदर वे ले ले। ठीक बा, लेके जा अंदर। ठीक बा बाबूजी, ठीक बा। हाँ चलो चलो। का करता नहीं, बाबूजी देख लिए। बाबूजी देखे चाहे दादाजी, ये प्यार के तूफान बानू, ये अब स्टेशन पर रुकी। जाने तरू, जब से तहार मैसेज हमारा लगाइल बानू, मन बोरा गेल हा। हमार दिल और दिमाग में खाली तू ही छाइल बारू, यही से ही भेज बना के तहार लगाइल बानी। आखिरी लुका छुपी के खेल कब तक चली, काहे ने के हमके विदाई करा के ले जात? और तो का करी, इजे तहार बाप बा हमार ससुर, इजे कुचुर कुचुर करके बाहर मुंह धोता। हम जब गौना के नाम लेता नहीं, तब हमार पीछे पैना लेके दौड़ता, हमरा के प्यार करे था। आप तो के पहला से ना लात से मारब, दिन में साड़ी पहन के चूड़ी बेचे के ख्याल से दिन दहाड़े डाका मारे आल बारू हमारे घर में। ससुर जी रौर, हम दमाद है, दमाद के पैर पूजल जाला, मारल ना जाला, ब्राह्मण लेखा। तुहर हम पैर पूजले बानी, पीठ थोड़ी पूजले बानी।
अब तोरा के हाथ से मार लाख मार कुदकुदी खेला। लेकिन ते अपना ससुर के गुदगुदा के भागल है तब फिर फसली है कहां? हां पार्टनर, तार से गिरनी है तो खजूर में जाके अटक गई नी का ससुर की यहां से तो हंसा के गुदगुदा के निकाल गई नी। हां बाकी के चक्कर में पार गई नी है पार्टनर। अरे बाप रे बाप करे जा टूट। अरे देखा ऐसी लायक काम मो देखा तो कैसे दीदा फाड़ फाड़ के देखा था। अरे अंगुरिया डाल के दीदा बाहर निकाल ले का है? ये मुहना बा नकली बदनाम करता। नाना हम असली है हा? असली मरद देखी बहन ये मरद बा। हाँ अरे के नाम बदनाम करता है। ना 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 देखा तो हमने दोनों आदमी की किस्मत ही खराब है। ते शादी शुदा होके भी तोरा छोकरी नहीं मिलत और हम इतना पढ़ा लिखल बानी तब हमके नौकरी नहीं मिलत। हमने के दोनों आदमी बेकार बनी जा शायद यही से हमने के इज्जत नहीं करते। तोरा के तोर ससुर भगाओ तारे और हमके घर से हमर बाप भड़काओ तारे। चल हाँ चल तेरी बकवास। ए जी आखिर ऐसन का छपल बा अखबार में जेकरा देख के रउआ इतना परेशान होत बानी। जब से घरे आयल बानी तब से कोनो ना कोनो उलझन में उलझल बानी। आखिर का बात बा हिंदू देखा नहीं का लिखल बा अखबार में? नौकरी के इस्तार बा तनका पूरा 50,000 रुपया बा। 50,000? हाँ अब सोचे ना कि अपना घर में अगर 50,000 रुपया महीना के आवे लगी तो कितना बढ़िया हो जाए। तू रानी बन के रहू हम राजा बन जाए। हमर बाबूजी बाबूजी तो सीना तान के पूरा गांव भर में घूमी है और चुटकी के शादी चुटकी बजा के हो जाए। वो सब तो ठीक बा लेकिन ई नौकरी मिलल केकरा के बा रौर के? अरे ना रे हमरा कैसे मिली नौकरी? हम बीए थोड़े केले बानी। हाँ अपन किशन बीए केले बा ओकरा जरूर मिल जाए नौकरी। रउआ तो इतना खुश होता नी जैसे देवर जी की नौकरी मिल गई। अरे अभी खबर छपल बा वहां जाए के पड़ी मिले के पड़ी तब ना सब कुछ होई। अपन भाई के सपना पूरा करे खातिर सब भूल गई रानी। का भाई रावर इतना उदास काहे होता नहीं? का बताई हिंदू गेल रही मुकादम के पास किसन खातिर पैसा मांगे मना कर देलस। वहां इच्छा रहे कि हमरा किसन के अगर ऐसन कोनो नौकरी मिल जाए तो घर के सब कष्ट दूर हो जाए और हमर बाबूजी जोन बात बात पर झला लेना उनका झलाट भी हमेशा खातिर दूर हो जाए। रउआ ये सोचत बानी ना कि देवर जी इंटरव्यू देवे कैसे जाइन किराया भाड़ा कहां से आई। रुकी इली एकरा के गिरवी रख के देवर जी के नौकरी खातिर भेज दी। अब का करता हूं तू का गिरवी रखी और ऐसे ही आज तक इतना गिरवी रख ले बानी एको को छुड़ाओ पहले आज तक। अरे तो का भाई जर जमीन काहे खातिर होला ये खातिर ना कि मौका पे काम आ सकी देवर जी के नौकरी लग जाए तो सब छूट जाए। एगो बात कहीं का अगर कुछ पैसा बची तो लाजो के एक जोड़ी कपड़ा ले लिया। मंगल जी मालिक कहीं ए बार हमार बिटिया पूजा जी अपने सहेली के साथ यहाँ घूमे फिरे अबत बड़ी। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बात है मालिक।
छोटकी बिटिया अवतारी ई हवेली में रौनक आ जाई। हमरो एक महीना हंसी खुशी के साथ बीती। मालिक ई बाबू लोग भी अवतारे का? ना मंगल, उन लोगन के ठेका के काम बढ़ गई बा। उ लोग बहुत बिजी बा, उ लोग ना आई है। तोर मोटरसाइकिल तोरे खानी खटारा भी है पार्टनर, एकदम स्पीड ने के पकड़ा। अरे मोटरसाइकिल ना फरफटिया है पार्टनर, हमार ससुर सब माल नकली दे देले बा। अच्छा। आउ देते नहीं के जो असली बा। मन करता और घर से चुरा के ले आई। मर्द हुए तो चुरा के ना उठा के ले आओ करके। हाँ। अचानक से आगे आ जाता रू, ब्रेक फेल हो जाए ना तो पूरा सिस्टम के धजिया उड़ जाए। बात करे के बा, बात करे के लगता है मामला सीरियस बा, और हमरा लगता है से ठंडे ठंडे निकल लेवे के चाहिए। का बात बा? हमरा से दोस्ती करबा? दोस्ती लड़का लड़की में दोस्ती ना होला, प्यार होला। प्यार मंजूर बा? पक्का? हाँ पक्का, एकदम पक्का। हाँ I love। हाँ एकदम, चिंता मत करिए। गोविंद। हाँ बाबूजी। ये का कहिले तू? बहू के एगो बचल कुचल जौन जेवर रहे ओहू के गिरवी रख देला? बाबूजी अब जरूरत से बढ़ के जेवर थोड़ी होला, एक बार अपना किशन के नौकरी लग जाए दी, फिर देखब ना सब चीज वापिस अपना घर में आ जाए। अरे कितना बार यही तरह नौकरी खोजे गए रहे, लेकिन का भाई खाली हाथे वापस आ गई। ए बार भी जई हैं रुपया पैसा लुटा के मुंह लटका के वापस आ जई हैं। देख लेना भैया, अगर ऐसा ही हमके बद्दुआ दे के भेजिए तो कैसे हमारी नौकरी लगी। चुप पगला, माई बाप का भी बद्दुआ देने का? अरे माई बाप के बद्दुआ भी दुआ के समान होला, ऐसे ना सोचे के चाहिए। हाँ हाँ ए बेटा, छन में जरल छन में बुताई, ई तोहरे बाबूजी के स्वभाव बा, इसे जबान से कड़वा बाड़न, बाकी मन इनखर एकदम सीसा नियन साफ बा। इला दही खाला, सब काम तोहर शुभ शुभ हुई। अरे लेकिन सर सब तोहर जाय आवे के खर्चा। असुन खाए पिए में कोनो कंजूसी मत करिए, बुझले? खाए पिए करिए। बाबूजी के बाबूजी। जी भैया। आशीर्वाद दबाओ जी कि हंसी लेके जाई और खुशी लेके आई। ऐसे नहीं होके भाभी, अगर हमारी नौकरी लग जाए ना तो सबसे पहले अंगूठी के बदला तो के कंगन बनवाई। ओ हो हो हो। ना देवर जी, हमरा के जेवर गहना ना रौर खुशी चाहिए। और छोटकी सहर जाता नहीं, तोरा कुछ चाहिए? कुछ ना भैया, अभी हमरा के कुछ ना चाहिए, पहले तहार नौकरी लग जाए तब। गुड गुड वेरी गुड, सारे सब्जेक्ट में 88%, बहुत बढ़िया। लगता है पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की है। जी सर, और मैं नौकरी भी पूरी मेहनत और लगन से करूंगा सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर, प्लीज ये नौकरी मुझे दे दीजिए। आप समझो ये नौकरी आपको मिल गई। क्या? हाँ मिस्टर किशन, ये नौकरी अब आपकी हो गई। थैंक यू सर, समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, हाथ चूमूं कि पैर छूं? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर किशन, बस सिर्फ कुछ शर्तें हैं। सर मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ लिखवाना चाहेंगे मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। अरे वो तो मैं लूंगा ही, लेकिन एक शर्त ऐसी है जो न किसी को बताई जाती है और न किसी से लिखाई जाती है। ओके सर। अरे भाई अफसर रैंक की नौकरी है, 50,000 से शुरुआत होगी, लाइफ लग्जीरियस हो जाएगी आपकी, लोग साहब कहकर बुलाएंगे, इसके लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब 5,00,000? 5,00,000? हाँ, इसे घूस समझो या रिश्वत या अपने किस्मत की ताला खोलने वाली चाबी। अरे भाई तुम्हारी जिंदगी बना रहा हूँ,
कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, मेरी हैसियत तो 1 लाख की भी नहीं है, फिर मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा सर? सॉरी मिस्टर किशन, ये नौकरी तभी मिलेगी जब तुम 5 लाख रुपए दोगे, वरना भूल जाओ, जा सकते हो। और हाँ, जिस ईमानदारी और मेहनत का राग अलाप रहे हो ना, अगर उसमें दम होता तो किसान आत्महत्या नहीं करते हैं, और सैनिक बॉर्डर पर की तरह गोली खाकर नहीं मरते। अबे! अरे तुमने उन किसानों को गाली दी है जो पसीना बहाकर समाज का पेट भरते हैं, उन जवानों को गाली दी है जो देश का रक्षा करते वक्त बॉर्डर पे आज शहीद हो रहे हैं। तू है तुम्हारे जैसे लोगों पे जो नौकरी देते नहीं बेचते हैं, और ऐसे लोगों को बेचते हैं जो कुर्सी पे बैठकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और आज उसी के वजह से भ्रष्टाचार और आरक्षण के आग में पूरा देश जल रहा है, उसकी वजह सिर्फ तुम जैसे लोग हैं। छी! पाठक, आवा आवा, बहुत अच्छे मुँह के पाल बड़ा, बैठे बैठे। हम यहाँ बैठे ना, एगो मातम के खबर सुनावे नहीं है राधे बाबू। मातम का खबर? हाँ, पिछला साल जौन राणा बाबू एक के साथे 3 मर्डर कैले रहल, ओकर एगो चश्मदीद गवाह सामने आयल बा, अदालत में गवाही देवे जात बा। ई रहल फोटो ओकर, देवा नाम है एकर। वहाँ बैठ जाएंगे तो हम दोनों सहेलियाँ एक साथ बैठ सकते हैं, प्लीज प्लीज। ठीक, थैंक यू। जाके खोज ओकरा, अरे यही बस में ओके चाहिए, वहीं पे उड़ा दे साले के। ए, सब लोग नीचे मुड़ी करा। ए, ऐसे क्या देखत बड़े रे, अखिया नीचे कर ना, तो उंगली घुसा के अखिया बाहर निकाल ले। रह रे सनु, निकाल बाहर एक रखे। हाँ, निकाल हमनी से। जानत नहीं खेते। We'll be right back.
हलाल, काम बा हमार, रिजवान नाम बा हमार। मौत से पंगा ले 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 बा। उस साला कौन रहे, कहां से आत रहे और कहां जात रहे कुछ पता ना चले। पता करके बताओ कि कौन है जो हमारा मिशन फेल कर देला, ओकर जिंदगी हम फेल करते, पता करके बताओ रिजवान। ठीक बा भाई जी, कौन रहे राणा जो हमारा मिशन फेल कर देला। अरे पता ना भैया, एक आदमी सारा हमनी के सारा आदमी को मार देला और हमनी के गवाह तीनों को उठा के लेके चल गई। अब बैठ के बचावे के पड़ी हमने के। कौनो भी होके ओकरा के पता ना, उरादा और राणा से ना, मौत और यमराज से दुश्मनी के लेवा, ओकरे गलती के सजा ओकर पूरा खानदान भुगती, पूरा खानदान। देख ले लेना गोविंद, हम तो उससे कहले रही न कि अजुओ कुछ ना करके लौटी, आ गई ना मुंह लटका के। दिन भर आवारा गर्दी करी और हमरे छाती पर मूंग करी, घूसा मार के नौकरी लेवे गए रहे, घूसा मार के। तो क्या करी, दाना 5 लाख रुपया कि घूस से नौकरी पाई। ए किशन बाबू जी, सही से बात कर जाला। कैसे बात कर जाला भैया, कैसे बात कर जाला। बाहर दुनिया हमके नहीं खेजिए देत, आ घर में आओ तो निकम्मा आवारा कह के ई दिमाग खराब कर लिए बड़े। अगर ज्यादा ही का आंख में हम सुई खानी चुभत नहीं ना, तो कह दे कैसे केला करे, हमके बांट दे हमारा हिस्सा। किशन जब ना घर के हम अपन खून पसीना दे के सींच रहल बानी, ओकरा तो बांटे के बात करे तारे। किशन हे मन भाई, देखा बिखर गेल बड़ा बड़ा आसान होला हमर भाई, लेकिन एक हो के रह बड़ा मुश्किल होला। बहुत तपस्या करे के पड़ेला रे, बहुत कुछ बर्दाश्त करे के पड़ेला। का हो गए तो रही सब, का बकवास करे लगले। किसन के कभी जोर से बोल लेता रानी।
भैया तू किशन भाई तू ही आजकल का अनाप सनाप बोले लगला। भैया अभी आपके सूत के उठनी तले तो हर महाभारत शुरू हो गई ना। आ हमके मुंह हाथ धो ले बेदा ओकरा बाद जैसे सुनाए कोई सुना दिया। अरे पगला हम तो रस सुनावे नहीं किए हैं भाई तारा समझावे हैं काल। बस भैया बस देख लेनी तोहरो समझावे के तरीका थप्पड़ मार के प्यार जतावला समझाई है। अरे ई का लगा तो दवाइया भूल गेलन इन घरों ना कबो कबो दिमाग एकदम ही खराब हो जाला। ए बाबू रुका कहाँ जात बड़े आवारा ही तावारा घर दिए करब घूमे जाता नहीं। अरे घूमे जो चाहे घामे जो ई ले दवाई बाबूजी के दिया भूल गेल बाड़न। वो रोज बीपी के दवा खाले तब उनकर बीपी आइए रहेला। ई हो ना का बात हो मंगल कहे उदास उदास बाड़ा ना मालिक ऐसी तो कोनो बात नहीं है। बात तो कोनो जरूर बा कहे से जब से आयल बाड़ा तब से देखा थी तुहार चेहरा बुझल बुझल बा। अब का बताई मालिक जिक्रे उम्मीद के सगरो सूरज बुझत जाए ओका चेहरा तब बुझल बुझल ही लौके ना। आखिर भइल का करलस हमार छोटका लड़का मालिक अब ही ले तो आवारा लेखा घूमत रहे अब घर द्वार बांटे के बाद करत बा। कल गोविंद के साथे ओकर बाता बाती हो गई आ गोविंद ओकरा के थप्पड़ मार देलस यही से चेहरा तनी बुझल बुझल लौकता। ते यहाँ का करे अलबाड़े रे कुछ करे नहीं किया इल तुहार दवाई देबे अलबनी ला। अरे तू हिया तू हाँ हम पूजा हम बाबूजी के बेटी हैं। सब लोग बाबूजी के बेटा बेटी होला हम एकर बेटा हैं। अरे वाह इतना कमाल हो गई तू हूँ है गांव के बड़ा। हाँ बाबूजी हमारा और इनका पहचान बस में भइल रहे बहुत अच्छा इंसान बड़े। हाँ तब का बाबूजी इनकरा से बोली हमरा के और इनकरा के घुमावे के गाड़ी से समझ गई नहीं। भाई किशन जी मालिक पूजा के सहेली यहाँ घूमे आयल बड़ी और कोनो ड्राइवर नहीं खे और तहरा के ड्राइविंग आवेला तो तहरा लगे अगर समय होखे। अरे काहे ना मालिक इनका लगे तो समय ही समय बा इनका कोनो ड्यूटी या नौकरी पर जाए के बा। हे किशन घुमा दे बिटिया लोग के। जी अगर ज्यादा ही काक माम सुखन चुहता नहीं ना टका दई कैसे किया ला करे समके बात दे समार हिस्सा। अगर ज्यादा ही काक माम सुखन चुहता नहीं ना टका दई कैसे किया ला करे समके बात दे समार हिस्सा। क्या मापन खुद को सुना दे कि सिचरल वाली तो क्या तू बाटे के बात करता रे।
का भेलो गोविंद कहाँ बा अंदर बाड़न डॉक्टर चेक करत हवन का भेल डॉक्टर साहब गोविंद के का हाल बा सब ठीक बा घबराए वाला कोनो बात नहीं है अच्छा गोविंद ये दर्द पहले हो भइल लस कि अभी है भइल बा हां डॉक्टर साहब पहले भी ऐसा दर्द भइल बा एक दो बार लेकिन मेडिकल शॉप से जाकर के कोनो दवा लेके खा लेते रहे बस देखा गोविंद ई सर के मामला बा एके अवॉइड कइल ठीक नहीं है हम एगो जांच लिख देत बानी एके जरूर से जरूर करा लो ताकि पता लागे कि दर्द काहे होत बा आ कुछ दवाई लिख देत बानी खा लिया आराम मिली इला डॉक्टर साहब जौन अब जांच लिख ले बानी में पैसा कितना लगी इस सर के एमआरआई बा एमे लगभग 8-10 हजार रुपया लग जाए लेकिन डॉक्टर देखो गोविंद जान से बड़ा पैसा ना होला ई सर के मामला बा ज्यादा नजरअंदाज करबा तो ठीक ना हो अब आपके कैसे बताई डॉक्टर हमरा खातिर तो हमरा पूरा परिवार के 2 जून के रोटी चलावल मुश्किल हो जाला अभी 8-10 हजार रुपया कोनो मामूली थोड़े बा हमरा खातिर कोनो बात ना गोविंद चिंता मत करो सब ठीक हो जाए राणा बाबू ये कोनो तरीका आप लोगों के हम अपन डिपार्टमेंट के धोखा देके आप लोगों के ठिका दिवानी है और जब हमारी हिस्सा का बात आई तो आना कानी करे लगला राधे बाबू हमारा फोन ना उठाओ थे हमारा फोन ना उठाओ थे ऐसे का देखा था बड़ा श्रीवास्तव है श्रीवास्तव काम बना सकेले तो काम बिगाड़ भी सकेले चुटकी बजाई और काम बिगड़ जाए उठ उठ काम बिगड़ बेते भैया फोन ना उठिए गुलाम हवान आए चल मुर्गा बन बन मुर्गा साला बन बन मुर्गा बन अब बोल कुकुड़ू कु जोर से बोल साले कौवा नियन ना मुर्गा नियन कुकुड़ू कु अरे राणा ई केकरा के नया मुर्गा बनावा ताड़े भैया भैया समझाई ना भैया आराम से समझाई ना भैया हमरा का हिस्सा ना चाहिए पैसा ना चाहिए कुछ ना चाहिए हम हमसे गलती हो गई भैया हमके माफ कर दे भैया हमके माफ कर दे हम कबो ना आए भैया कान पकड़ दे कबो ना आए अरे भैया रोका को रखे अरे का है रे अरे भैया तू फिर हमर मुर्गा भगा दिया ला अरे सुन अंडा के का है अरे का राधे भाई भाई जौना के तलाश रहे ना रउआ के गांव में घूमता और रउआ के बहिन के साथ घूमता राणा तोरा के मालूम बना कि गांव जाके का करे के बा याद बा भैया सबसे पहले वो हराम खोर के पता लगावे के बा और जैसे होकर पता चल जाए ना अरे यार तू तो कुलगुर गोबर कह देबे आए पूरा काम खराब कह देबे तू अरे जब हम काम खराब करते हैं तो आप रखा के भेजे तर तू ही जा ना जा हम ना जाए जा तू ही जा कितना समझाई तोरा के मामला जोश का ना होश का बा हमेशा तई मार काट करे वाला बातें कर रहे लेकिन अपना बहन के बात तू समझे समझा थी ठीक बा सुन कान खोल के ध्यान से सुन वहां जो पहले और सबसे पहले ही पता कर कि ओकरा अपने बहन से का रिश्ता बा और पता चले पे ना सबसे पहले हमरा के फोन कर फिर हम बताए तोरा के कि का करे के बा काहे कि मामला बहन के बा समझ गए ना
ना। तो जो समझ गए नहीं। जो चला तने प्रणाम। खुश रहा। पूजा हाँ आज कौन सा ड्रेस पहनू? साड़ी और ब्लाउज। साड़ी ब्लाउज हाँ खुलल खुलल जुल साड़ी ब्लाउज काई रादा बा कहाँ बिजली गिरी बू? एमे बिजली गिराए के कौन बात बा? आज हमार मन बा साड़ी ब्लाउज पहने के बस। गजब हो गई। का बताई बाजार से लौटत रहनी तो गोविंद से मुलाकात हो गई। हाल चाल भाई हमू मौका देख के चौका मार देनी। तक का कहलन? अरे कहलन का किशन और काजल के रिश्ता सुन के बहुत खुश भइले। काजल के इतना तारीफ करे लगले कहे लगले कि काजल जैसन सुंदर सुशील लड़की अगर दुल्हन बन के हमरे घर में आ जाए तो इसे बढ़िया का हो सकेला। और वो अपने बाबूजी से बात करे के कहलन है। हाँ। अब तू अपने अम्मा बाबूजी से बात करला आ कहीं तुहरे अम्मा बाबूजी मना कर देलन तो हमार नाके कट जाये। अरे नाक कैसे कटा जाये? हम बानी ना अम्मा बाबूजी के हम राजी करब। किशन। अरे काजल तू? हाँ कहाँ बाड़ा तू? आजकल तोहार पते नहीं के चलत। अरे आजकल हमार ड्यूटी लागल बा। ड्यूटी? हाँ। कहाँ केकरे साथ है? शहर से एगो हीरोइन आइल बिया ओकरे के घुमावे फिरावे के। हीरोइन? हाँ का हीरोइन बिया यार करीना जैसन स्माइल कटरीना जैसन स्टाइल दीपिका जैसन दिल प्रियंका जैसन प्रेम और स्टाइल और फिगर आह एकदम सनी लिवनी जैसन बा। तक तू का है इतना इतरात बाड़ा? अरे इतराई ना तक का करी काजल वो करे के घुमावी फिरे के ड्यूटी मिलल बा हमके। अब तू बतावा कि हलवाई के मिठाई मुंह के पास रही तब मन ला लचबेनु करी? तक जा खोजा मिठाई यहाँ का है खड़ा बाड़ा। तो तू का खिसिया तरवा? खिसिया आईब ना हमार तोहार बियाह होके जात बा। हम तोहार सपना सजावत बानी और तू दूसर के पीछे दीवान की झाड़त बाड़ो। बिया वो तोरा संग है ई कैसे सोचे लगलू? हाँ अरे बिया तो हम ओकरे से करब जौन शहर से आई बिया आहा का दुल्हन बिया हाथ से लेते फूल झरेला चले ला तब बाहर आ जाला आ जब बोले लेना तो कान में मिश्री घुलता है। तो जा घोरा ओही के साथ मिश्री हम जाता नहीं अपन जान दे खातिर। ए चल इतना जल्दी हिम्मत हार गई लू? हम ही देखत नहीं कि हमर होखे वाले मेहरारू हमसे कितना प्यार करेले। अपन जान से भी ज्यादा किशन अपन जान से भी ज्यादा अपना से कब अलग मत करी हमके। अब तो हाथ और साथ मौत ही छोड़ा सकेला के हुआ और ना। एकरा मतलब आपके कुछ पता नहीं है बाबूजी लेकिन राउर खामोशी और हैरानी बता रहल बा कि आपके तनिको भनक नहीं है कि पूजा कहां और केकरा साथे खिचड़ी पकावा तारी ना। राणा खबरदार पूजा हमार बेटी हो और वो कभो कोई गलत कदम ना उठा सकेला और जानत हो वो लड़का वो हमारा विश्वास पात्र मंगल के लड़का हो और पूजा के घुमावे फिरावे खातिर हमारी ओके इजाजत देने वाली किसन हो गई। ताऊ मंगल के लड़का किसनवा? हाँ जोने पर आंख बंद करके विश्वास कर। अरे बाबूजी आजकल के लोग अपना परछाई पर विश्वास नहीं करता और वो गैर कल के पर विश्वास करता नहीं वो भी आंख बंद करके। रुआ बहुत भोला बानी बाबूजी बहुत भोला अपना परिवार के बारे में सोची बाबूजी अपना परिवार के बारे में। आखिर तू कहल का चाहत बड़ा? ही कहल चाहता नहीं कि अगर वो आंख बंद कर खब ना तब पूजा राउर विश्वास का दिया बुता के खानदान के मुंह पर करी खपोत के फुर हो जाए जो हम ना हो कहते ना। ए पूजा भैया प्रणाम। बस बस। अरे भैया आप
कब आई निहा? एकदम सही टाइम पर। भैया ये हमारे फ्रेंड सपना, हमने साथे गांव घूमे आयल बड़ी। अच्छा, जो भीतर जो। भैया जा भीतर, तारा गांव के बारे में कुछ पता नहीं है, चला जा। भैया सुनी ना, जोग जमाना ठीक नहीं है पूजा, चला अंदर जा। जो किसान मर दो, जब हम अच्छा काम कर चाहिए तब एकरा बाई ले लेला। का भाई रे का हो गई? हमरा इतना तकलीफ बा, तू ऐसा बैठ के रोमांस करा तारा, हम लुट गए नी, बर्बाद हो गए नी, कुत्ते हो गए नी, नगर के नगाट के। का हो गई? हमार मांग धोवाता। तोर अमांग? हाँ, हमार ससुर हमार मेरा रुके दूसर ब्याह करवावता। तो हम का करी? तू हमार लंगोटिया दोस्त हुआ तो तू न करवा तो क्या करी? माने हम करी, मेहरारू तोर ससुर तोर अत्ते कर दमादा, हम कह के मेहनत करी रे ते कर। हमारा से ना होई भाई। कैसे ना होई? जाके कर। कैसे करी? कैसे मर्द बन, मर्द जो मेरा रुको उठा के लेके आओ। हाँ बन जो मर्द, एक दिन खाती मर्द बन। ठीक बा, अभी जाते नहीं, अपन ससुर के गर्दा उड़ा के आवता नहीं। जय श्री राम। एक दिन खाती, बाकी दिन पटदार झलनी है, सज्जो लेके आओ। गजोदर भाई जी, आप अपनी बेटी के सारी कहानी हमनी के तो बता देनी, ओकरा बावजूद भी हम अपन बेटा के शादी आपकी बेटी के साथ करे खातिर तैयार बानी जी। आप अपना बेटी के बुलाई। बेटी, बेटी चंपा, देखी ये हमार बेटी चंपा है, देखी ना बाबूजी, हमार बियाह तो हो गई बा, हम दूसर बियाह ना करब। काहे ना करबो? जय श्री राम। खबरदार, अगर हमर मेहरारू के दूसर बियाह करे के सोचले भी, गर्दा उड़ा दे। कारे का करबे तू, का करबे? आज जे ना करे के ऊ कर दे ससुर जी, बात मान ले हमार। तू कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपन बेटी के हाथ तोरा हाथ में ना दे। काहे हमरा में का कमी बा? अरे कूले कमी बा, तोरा तोरा कुल खानदान में कमी बा। मोटू है काम के ना काट के नौ मन अनाज के भाग भाग सरो भाग। भागब ना ससुर जी, आज हम अपन मेहरारू के भगा के ले जाए। आवा हमार पप्पू, चलो अरे चलो। ना जाए ना जाए, हम ना जाए ना जाए, बेटी के हम ना जाए। सब ठीक ठाक बाना गोविंद? कुछ ठीक नहीं है। हिम्मत से काम लो गोविंद, सुख दुख जीवन के हिस्सा होला, जौने सब के साथ गुजरेला, केहू के बड़ होला केहू के छोट। डॉक्टर साहब आप साफ साफ बताई ना, का है इमें? गोविंद तुहरे दिमाग के बीच में ट्यूमर का। जौना के ब्रेन ट्यूमर कहल जाला, और ये ऐसन मोड़ पर बा, अगर एकर ऑपरेशन जल्दी से ना होई तो कब्बो फट सकेला, तुहर जान जा सकेला। ई मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बा, जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लो। कितना पैसा लगे? देखा ऐसन मामला में 10 से 12 लाख तक खर्च हो जाए। वैसे हम कुछ दवाई लिख देते बने, ई ले ल, ऐसे आराम होई, लेकिन ऑपरेशन जल्दी करा लिया। इला
पूजा मैडम, पूजा मैडम, तते हवे किशन कन्हैया जी। किशन तब पूजा 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 के कारट लगे बड़े रे, पूजा से तोरा का मतलब बा? पूजा मैडम घुमावे खाती कहा तली। तोरे इतना हिम्मत कैसे बोले अपना गंदा सामान समरा पहन के नाम लेवे के? देखी छोटे ठाकुर। देखी का देखे बेरे का दिखावल चाहता रे? हम तोरा के दिखावा तनी। बस छोटा ठाकुर बस, दिखावे खातिर हम एक हाथ में पूरा जमीन आसमान दिखा सकेले, लेकिन हम तोरा बाबूजी के इज्जत करी ले। ओ, माने जे हमरा बाबूजी के इज्जत करी वो चूहा भी शेर हो जाई। मार मार ना, मार 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 ना, मार 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 ना। अरे किसान, अरे का करत बड़े छोड़ दोस्त, तेरा के शर्म नहीं किया बत है? सब लाज लाज भूल गई बड़े, छोटका मालिक पर हाथ उठा होता रे। बाबूजी पहले गलती कही ले हम ना, और तू हमरे के डांटा तरह। राणा ये सब का हो रहा बा? अरे मंगल ये सब क्या हो रहा है? बड़का मालिक हमरा खुद नहीं क्या मालूम कि छोटका मालिक अब किसनवा में का चल रहा बा। छोटे मालिक हम रोज से हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं कि नादान है, एक से जो गलती भइल है ओकरा के माफ कर दी। अपना बेटा से बेइज्जती करवा के ते हाथ जोड़ता रे। भाऊजी गिनती शुरू। अरे रिजवान फोन उठाओ रे। मारे ना ओकरा के चांद से मारब, अगर पोटी पोटी काटब तब जाके मानब मारब ओकरा के। भैया का भैया आज इतना देर लगा देला? भौजी सवेरे से तोहरे खातिर तीज के त्योहार मनावत बाड़ी, तोहरे लंबी उम्र खातिर उपास रखले है, और तू इतना देर से आवत बाड़ा। भैया कुछ बोलत काहे नहीं खा, इतना उदास काहे बाड़ा?
अखिल पूजा पाठ का भाईल कोनो बात बाका का कोनो बात नहीं की इंदु देखी हम रौर पत्नी है रौर के खुशी और गम दोनों पहचाने ली हमसे कुछ ना छुपाई बतावा का बात बा अरे कुछ ना पगली हूँ हाँ रास्ता में एक एक्सीडेंट देख ले ली मैं एक आदमी मर गई ओकरा लाश के पास ओकरा परिवार के रोबत बिलखत देख ली तो थोड़ा मन दुखी हो गई एक बात पूछी इंदु बैठा अच्छा इंदु मान लग कि हम हमरा कुछ हो जाए ऐसन काहे कहता नहीं रहुआ के कुछ ना होई अरे पगली जेल मरल त भगवान के आदमी बा लेकिन मान ला कि अगर हमरा कुछ हो जाला हमरा परिवार के ख्याल रखू ना माही बाबूजी हमर छोटकी बहन और किसन बड़ा बड़ा भोला भाला बा हमनी के बेटा के समान बा तू ओकरा विशेष ख्याल रखू ना अरे पगली तू रोवे काहे लगलो हम तो ऐसे ही पूछे गोविंद सब लोग बाहर आवा बाबूजी बिना बता गोविंद बाहर आवा सब लोग बाबूजी कहो पूछा करा से ये चाहत का बा किसन कहो गए कहो भेल बाबूजी आज ही बड़का मालिक के लड़का के साथ मारपीट कर ले सा अरे ये हमार नौकरियो छोड़वा दी भैया जे दू बक के रोटी देला ओकरा खातिर इकरा दिल में इतना बड़ा सम्मान बा त जे हमके पैदा कइले बा ओकरा खातिर हमरा दिल में कितना बड़ा सम्मान होई और हां वो हमके कुछ बोली तब बर्दाश्त कर लेती और कहीं नहीं भी है लेकिन तोहके कुछ और करी ना तभी मरले बानी दोबारा कुछ कइले त काट देबो करा के देखा तरह करा के बाबू जी आप काम का के गुस्सा हो जाइले अरे बच्चा बा किसन समझ जाई बहुत जल्दी समझ जाई वो आई देवर जी यहां बैठी हम बाबू जी के समझा देव हम तोहरे खातिर परसादी लावतानी हाँ इहे बैठा करे मर गए हस का है कहाँ से तो फोन ट्राई करता नहीं कहाँ पड़ रहे थे भाई जी कल रात को पार्टी में जाने पते न चले अरे सारा हमारी इज्जत चल गई और तू पार्टी मनाता रे तू घोड़ी के नौकर हमरा गिरेबान पे हाथ डललस हमरा मुंह पर थप्पड़ मरला और ते पार्टी मनाता रे का बात करत आनी भाई जी के कर करे जा पांच गज के हो गेल बा जेकरा अपन मौत से डर ना लागल अरे वे जोन तोरा के मार के हमनी के मिशन फेल कर देलस ओकर करेजा के ओकरा हड़क में हाथ डाल के निकाल लेवे के बा तू बस पहुंच ओकर के मौत के घर उतारे के बा बस हुकुम करी भाई जी का करे के बा अरे हुकुम का करे के बा तू यहां से निकल हम यहां से निकला तनी और पूरा अपना आदमी ले ले साथ में ओकर के आज मौत के घाट उतारिए कर अब हम जब तक ओकर का नाम मारब तब तक हम चैन से ना बैठ सके नहीं रे ठीक बा भाई जी आवत है साला आजू ना बची पूजा काबल सपना पूजा अनर्थ हो गई तोहर भैया काबल भैया के तू तोहर भैया किशन के जान से मारे जात बाड़न का हाँ पूजा हम अपना कान से सुन के आईनी हा शहर से गुंडा बुला ले हा हे भगवान चल हमरा साथे चल चल चल
औकत सपना आप का कल जाए। पूजा पुलिस के फोन लगावे के पड़ी, हो सकेला पुलिस कुछ करी। हाँ हाँ तू ठीक कहा तरू। किशन 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 ए बहनिया तू लोग किशन के काहे खोजो तारा, का बात है? आप किशन के जानी ले? अरे किशन हमार छोट भाई है, का भइल? ओ किशन के जान खतरा में बा, इनकर भाई राणा और कुछ गुंडा लोग उनकरा के मारे के लिए निकलल बड़न। ए कम कर बहनिया, तू लोग जाकर के उधर ढूंढना, हम जाकर के आगे खोज लेते। चल 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 चल। का सोच ले हमरा गिरेबान पे हाथ डाल के तेपर मौत से बात जाइबे, मौत है हम मौत। हम अपना दुश्मन के मार के ओकर खून पियेनी, छाती फाड़ के करजा खाएनी। हमरा पे हाथ उठौलस, हमरा गिरेबान पे हाथ डाल ले बड़े, पहले तोर हाथ काटब, हाथ काटब जेकरा से छुले बड़ा तू हमरा के। चल जो Oh!
की सब लड़ाई झगड़ा में मत पड़ कर। छोटे ठाकुर आप घबराई मत। छोटे ठाकुर कुछ ना हो। जोन कहे कोई ना पुलिस स्टेशन में चल के कहिया। चल किशन 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 कहा दरोगा बाबू। ए दरोगा बाबू, हमार गोविंद कहाँ पड़े? वो हमार बेटा पड़े, उनका के काहे पकड़ ले बानी रहुआ। हर बेटा खून के लिए बा। खून? और ओकरा के हम रंगे हाथ पकड़ ले बानी। चली निकली लोग यहाँ से और काम करे दी हमरा के। ए जी, कुछ समझाई ना। ए दरोगा बाबू, रउआ से जरूर कोनो गलत फहमी भइल बा। हमार गोविंद खून ना कर सकेले सरकार। अरे वो तो बड़ा सीधा सादा सच्चा भोला इंसान बड़े। तहार गोविंद कितना सच्चा और भोला इंसान बड़े, एक फैसला अदालत में हुई। अदालत में अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। थैंक यू मिलोट। मिलोट, कटघरे में खड़ा ये सीधा साधा भोला भाला दिखने वाला इंसान इंसान नहीं है मिलोट, ये वैशी दरिंदा है। दरिंदा है ये। इसने अजय सिंह राणा वर्ल्ड रघुवर प्रताप सिंह राणा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की है। मिलोट,
इसने अजय राणा के पेट में तलवार को ऐसे घोंपा जो पीठ को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल गई। मिलोर्ड, मैं इस न्यायालय से दरख्वास्त करूंगा कि इसे फांसी की सजा दी जाए और इसे फांसी पे तब तक लटकाया जाए जब तक कि तड़प तड़प की इसकी जान न निकल जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माना कि सरकारी वकील कानून और इंसाफ की बात कर रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि अभी तक हमारे मुलजिम पर जुर्म साबित नहीं हुआ है। इसलिए इस तरह सजा और सजाए मौत का ऐलान करना अनुचित है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। जुर्म साबित नहीं हुआ है ना, तो किए देते हैं। मिलॉर्ड, मेरे पास कुछ ऐसे गवाह हैं जिनके आंखों के सामने अजय सिंह राणा का कत्ल हुआ है। मैं अदालत से इजाजत चाहूंगा कि उन चश्मदीद गवाहों को अदालत में हाजिर किया जाए। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। देखा मिलोर्ड, इतने सबूतों इतने गवाहों के बाद मुझे नहीं लगता कि इस कातिल दरिंदे को मुजरिम साबित करने के लिए और सबूतों और गवाहों की आवश्यकता है, क्योंकि एक भी गवाह इसके पक्ष में है ही नहीं। बाजर साहब, बा हमर छोट भाई किशन, ओकरा मालूम बा कि राणा जी के खून के कहले बा। उनका के एजा बुला दी जज साहब, उस सब सही सही बता दिए। मिस्टर किशन कुमार को अदालत में हाजिर किया जाए। किशन कुमार वल्द मंगल प्रसाद, अदालत में हाजिर हो। हाँ तो मिस्टर किशन कुमार, कटघरे में खड़े एक शख्स को क्या आप जानते हैं? जी, इनका नाम गोविंद है और ये मेरे बड़े भैया हैं, और इनका मेरा रिश्ता रामायण के राम लखन जैसा है। गुड, वेरी गुड मिस्टर किशन कुमार। गोविंद का कहना है कि अजय राणा के कत्ल के समय मौकाए वारदात पे क्या आप मौजूद थे? जी। फिर क्या देखा आपने? अजय सिंह राणा का कत्ल किसने किया? अपना भाइये के फसावत बड़े, तू भाई अब के कसाई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, अरे झूठ बोला था। आप बैठ जाइए।
बावरा हो गई बा ना जाने का गाना चला पकड़ा जा साहब। बैठ जाइए अपनी जगह पे, अदालत की कार्यवाही चलने दीजिए वरना आपको कोर्ट रूम से बाहर कर दिया जाएगा। ये जानते हुए कि आपके इस बयान से आपके भाई को सजा हो सकती है, रिश्ते नाते से बढ़कर मेरे लिए इस देश का कानून है। गुड, वेरी गुड मिस्टर किशन। मिलॉर्ड, गोविंद के भाई किशन के इस बयान से यह पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ है। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। That's all, my lord. तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, हम हमेशा हमर भाई किशन के भलाई चाहले बनी। किशन जे कहता शादी में भी हमर भाई के भलाई हो। अगर हमर भाई कहलस कि हम हत्या कैले बनी तो हत्या कैले हो के हम सब। हमरा सजा दे दीजिए सर। पेश किए गए सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, चूंकि मुलजिम ने खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, लिहाजा ये अदालत मुलजिम को दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए जेल भेजने का आदेश देती है। ये अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है। 28 तारीख को मुजरिम को सजा सुनाई जाएगी। The court is adjourned. पाथर पर माथा पटकर मारू शांति, यह आशीर्वाद दे वाला पाथर ना, माथा फोड़े वाला पाथर हा। हम अच्छा तरह से जाने ली बेटा, अच्छा तरह से जाने ली कि खेल तू काहे खेल पड़ा। तोरा गोविंद के हिस्सा चाहिए। कान खोल के सुन लो, हमरा जीते जी तोरा के को फूटी कौड़ी भी ना मिली। अरे तू हमरा से हमार बेटा छीन ले ला, आज से हम तोहर खून का अधिकार छीनत बानी। खत्म हो गई सारा रिश्ता नाता। तू आज से हमरा खातिर मर गईला,
हम तोरा खातिर मर गई ली। कभी भूल के अपनी शकल ना दिखाइया हमरा के। चल शांति, चल यहां से। का देवर जी, एक थप्पड़ के सजा फांसी होला। हमरे पति के डांट फटकार इतना बुरा लगल तो हमरा के मार गरिया ले रहती। हमार सुहाग काहे उजाड़ देनी। रौरा के तो हम बेटा से भी बढ़ के मानत राली। फिर दुश्मन काहे बन गई नी देवर जी काहे। छुटकी ते कुछ ना बोलवे। हम का कही भैया, हमार भाग्य के देखा इंसाफ के मंदिर में हमरा से हमार दोनों भाई बिछड़ा था। एक के ई कानून अलग करा था और तोके भैया परिवार अलग करा था भैया। अब तो लागा था कि राखी के त्योहार अब सिर्फ सोने के ही मिली। बनी ना, ये कब होने के हो सका? का भइल जी? ये एकदम गलत फैसला बा। फैसला गलत होके या सही, मराई के तो दोनों भाई के बा। अगर गोविंदवा के सजा मिली तो किसनवा के मार, और किसनवा के सजा मिली तो गोविंदवा के मार दे। बेटा, मामला अदालत में बा और उन्हन के सजा अदालत तय करी। तू ऐसन बात काहे करत बाड़? इलिए कि हमरी अदालत में फैसला भाई बाकी बा, इंसाफ बाकी बा। हु कुल मिल के हमरे एक भाई के मरले बाड़े ना, हम जब तक दोनों के ना मार देब ना, हम तब ले चैन के सांस ना ले बाबूजी, चैन से ना बैठब। इंसाफ ना तो हर जीत हुए राधे बेटा, यही जीत के चलते हम अपन एक बेटा खो चुकल बानी और अब हम कुछ नहीं के खोवल चाहता। घबराई मत बाबूजी, खोयला और रोयला के दिन तो ओ लोगन के चालू हो गए बा। अब वो घर में सिर्फ और सिर्फ मातम के सहनाई बजी, सिर्फ मातम के। तू यहाँ काहे आयल बड़ा? काजल से मिले खाते। काजल से तो और कोनो रिश्ता नहीं के, भूल जा काजल के और निकल जा यहाँ से। चल भैया, आखिर ऐसा का हो गए कि तू अचानक से रिश्ता खत्म कर चाहता? यही में तोर भलाई बा, रिश्ता निभाल तोरे बस के बात नहीं है। जे राम जैसे भाई के ना भाई, वो हमरे फूल जैसे काजल के का होई। ये सारी बात काजल के बता बा, ये फैसला मानना काजल के। हाँ, ये बात हम काजल के मुंह से सुनल चाहता नहीं। ठीक बा काजल। काजल, ये हम कहा सुना था नहीं? उहे जॉन सच्चाई बा। फिर उक्रिया कसम, प्यार मोहब्बत और जन्म जन्म साथ रहे के वादा, वो सब हमार भूल रहे, पहचान ना पाईनी तोहरा के। लेकिन अब सब समझ गई नी, जे खून के रिश्ता ना बुझलस वो प्यार के रिश्ता का बुझी है। काजल बस बहुत हो गई, अब निकल जाए यहाँ से। काजल समझिए भाई,
कि तोरा से हमरा कोनो शिकायत है। मरे वाला तो हम वैसे भी रह ली। अच्छा भेल कि तू हमरा मौत के सार्थक कर देले। हम हमेशा हमेशा तेरे खुशी चले भाई, लेकिन मरे के पहले एक चीज जानल चाहता कि हमरा मुहला में तेरा कौन खुशी मिली। बाबू हमार गोविंद कहां बाड़े, का भइल उनका के? उनका ऑपरेशन चलत बा। ऑपरेशन? 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 और मामला बहुत सीरियस बा। कौना बात के? उनका ब्रेन ट्यूमर बा। ब्रेन ट्यूमर? हे भगवान बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये बच गया। हालांकि मैंने इसे पहले भी कहा था ऑपरेशन करवा लो, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा वो डॉक्टर साहब ये बच गया, ये कानून का मुजरिम है और इसकी सजा 28 तारीख को सुनाई जाने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, तब तक ये कोर्ट में पेशी लायक हो जाएगा ना? बिल्कुल, तब तक तो ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा। बड़का बात हमरा से छुपा के रख ले रहे। यही से उ दिन कहत रहे कि हम ना रहे तो हमार परिवार के संभाल लिया। Oh,
अब आप लोग सब जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए प्लीज। चलिए सर, प्लीज प्लीज जाइए। चलो सर, प्लीज। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? साहब, हमरा कोनो औलाद नहीं के, लेकिन औलाद के कमी कभी जीवन में महसूस न कर पाईली। हमर छोट भाई किशन ही हमरा खातिर औलाद से बढ़ के बा। हम चाहब कि हमरा मरला के बाद हमरा चिता के अग्नि हमर छोट भाई किसन ही दे। किसन, कोनो बुरा सपना देखला हो का? हाँ भाई, बहुत बुरा सपना देखली। बिना हाँ, जोरी जोवनी
रहे मौसम में। मिलोर्ड, आज 28 तारीख है, मुजरिम को सजा सुनाने का दिन, लेकिन अचानक ये नया कौन सा खेल शुरू हो गया? मेरे फाजिल दोस्त का कहना है कि आज केस में नया खुलासा होने वाला है, नई सच्चाई सामने आने वाली है, कोई नया गवाह आने वाला है। मिलोर्ड, 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई गवाह नहीं आया। मिलोर्ड, मुझे तो लगता है कि इस केस को भटकाया जा रहा है, मुजरिम को सजा से बचाने के लिए साजिश किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है मिलोर्ड, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि इंसाफ के इस मंदिर में कानून के हाथों कोई गलत फैसला ना हो जाए। अच्छा, बहुत खूब, तो कहां है आपका गवाह? बुलाइए ना, अभी तक क्यों नहीं आया? बस थोड़ी देर और मिलोर्ड, हमारा गवाह आता ही होगा। मिलोर्ड, अब ये बहुत हो चुका, ये अदालत का अपमान है, कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है। मिलोर्ड, वो गवाह नहीं आएगा, वो हमें धोखा दे रहा है। मिलोर्ड, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। मुझे लगता है कि अदालत को फैसला सुनाना चाहिए। That's all, मिलोर्ड। कोर्ट का वक्त खत्म हो रहा है मिस्टर वकील, आपका गवाह अभी तक नहीं आया। कोर्ट आपकी वकालत पर सवालिया निशान लगाते हुए आपके गवाह मिस्टर किशन कुमार पर कोर्ट की तौहीन करने और कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में मुकदमा चलाने का आदेश देती है। यह अदालत गोविंद वल्द मंगल प्रसाद को अजय सिंह राणा वल्द रघुवीर सिंह राणा के कत्ल के जुर्म में दफा 302 के तहत रिजवान है, ये गवाही देना चाहता है, आप सबको कुछ बताना चाहता है जज साहब। लेकिन ऐसी हालत इसकी कैसे हो गई? किसने मारा इसको? और यहाँ? हाँ, हवा के झोंका आई, तूफान की तरह कहीं भी ढूक सकी ले। एजा का करे आज बाड़े? तो के ले जाके गवाही दिवावे खातिर, ताकि जौन जुर्म ते के लिए बड़े ओकर सजा केहू और के ना मिले। चल कानून के बता दे कि राणा भाई के कत्ल ते के लिए बड़े, और अगर ना जाता उठा के ले जाए। हवाला और हलाल काम बा हमार, रिजवान नाम बा हमार,
बड़का मरद बनत बड़े रे। हमरा अड्डा में घुस के हमरे से दादागिरी। अड्डा सुअर और सियार के होला, सिर जहां जाला वही जी ओकर अड्डा बन जाला। रिजवान के हमारे हवाले कर दे। रिजवान सिर्फ कानून के हवाले हो, कैसे कि हमारे भैया के जिंदगी है और हमारे भाई का कातिल ई है। फैसला कानून का ना हमारी अदालत में हुई, जौन हम लिख चुकल बानी तोनी तीनों का मौत। गोविंदवा कानून के मौत मरी और तू दोनों हमारे हाथे मरबा। तोरे हाथ में इतना ताकत नहीं है ठाकुर कि हमसे हमारे भैया छीन। अपने भैया खाती तो होसे का यमराज से भी टकरा जाए हम। भैया भैया अच्छा भैल की रहुआ आ गई नहीं, गलती से हमरा हाथ से राणा भाई के खून हो गए। भैया हमरा के बचा ली ना तो जान से मार दी हमरा के। भैया गलती कर ली भाई ने तो गलती के सजा तो के जरूर मिली। Go!
खुदा के घर जाए के बाद एक खातिर हम झूठ ना बोल अब्जद साहब किशन इर्जवान किशन और गोविंद दोनों बेकसूर बड़े जज साहब इस गवाह का बचना बहुत जरूरी है इसे फौरन अस्पताल ले जाया जाए अगर तुमको अपने भाई को बचाना ही था तो उस दिन झूठ क्यों बोले अपने भाई के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी ब्रेन ट्यूमर से बचाने के लिए जज साहब अपने भाई के इलाज कराने के लिए What? जज साहब हम बेरोजगार हैं बेकार हैं मेरे घर की दो वक्त की रोटी भी बनती है तो मेरे भैया के मेहनत से बनती है मेरे घर में अगर खुशी है तो मेरे भैया के बदौलत और हम गरीब आदमी हैं जज साहब हम अपने भैया के इलाज नहीं करा पाते और मैं अपने भैया से बहुत प्यार करता हूं और अगर ये मर जाते ना तो मेरा पूरा परिवार मर जाता और ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस दिन मेरी भाभी तीज का व्रत की थी और भैया के लिए लंबी उम्र की दुआ कर रही थी तो हमारे पास पैसे नहीं थे जज साहब और हमारी शक्ति नहीं थी कि मैं अपने भैया का इलाज करा सकूं मेरे पास और कोई चारा नहीं था जज साहब आपको जो भी सजा देना है हमें दे दीजिए मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है लेकिन मैंने जो भी गलती की है अपने भैया की जान बचाने के लिए की है अपनी भाभी की सिंदूर बचाने के लिए की है अपनी मां की कोख बचाने के लिए की अपने बाऊजी के विश्वास के लिए किया हमें मंजूर है लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है मैं अपने राम जी से भाई को आज आप सबके वजह से सरकार के वजह से जिंदा देख रहा हूं इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य और इंसानियत का काम किसी की जान बचाना है लेकिन तुमने कोर्ट के सामने झूठ बोला और कोर्ट को गुमराह किया लिहाजा ये अदालत तुम्हें इसकी सजा देगी 1 साल कैद या 6,000 रुपए जुर्माना इन दोनों में से कोई एक सजा तुम्हें भुगतनी होगी
चूंकि रिजवान की गवाही से अब यह साबित हो चुका है कि गोविंद बेगुनाह है, लिहाजा ये अदालत इसे बाइज्जत रिहा करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मौत से बचा दे ले तो, दूसरी तरफ कानून के सजा से बचा दे ले, चोटों के कितना बड़ काम कर दे ले तू, कितना बड़ काम कर दे ले भाई। बाबूजी माई आज हम सीना ठोक के पूरा दुनिया से काम भाई हो तो ऐसा किसन किसन के जैसे किसान। ए पार्टनर आई 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 नहीं आई, ए हटा 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 साहब, हटा 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 भाई पार्टनर। इस साहब तारा कितना देर से खोजत रहा हूँ, इनका के पकड़ के लिए नहीं हाँ। अरे यार किसन, तुम्हारे घुसा ने तो मेरा दिमाग घुमा दिया और तुम्हारी बातों ने तो इंसानियत सिखा दी। ईमानदारी की कसम यार, ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर और मेरी फैक्ट्री में आके मैनेजर का पोस्ट ग्रहण करो। हे बाबूजी, अरे देखा हमार किसन तो साहब बन गए।